हम दोस्तों आज हम बात करेंगे काउंसलिंग की। काउंसलिंग गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो दिया जाता है प्रोफेशनली एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, डायनामिक एंड मीनिंगफुल प्रोसेस होता है। इसके मेन थ्री टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है एजुकेशनल काउंसलिंग, जब बच्चे को एजुकेशन में दिक्कत आती है। सेकेंड है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जब बच्चे का बिहेवियर या एटीट्यूड को चेंज करना है। लास्ट है क्लिनिकल काउंसलिंग, जब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से बच्चा ठीक नहीं हो पाता, उसको डॉक्टर या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम क्लिनिकल काउंसलिंग का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडलीनेस। सबसे पहला इसमें क्या होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है यहाँ पे, कंफर्टेबल बच्चे उसको कंफर्टेबल फील हो सके, एनवायरनमेंट ऐसा देना पड़ता है, घर जैसा माहौल देना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डेमोक्रेसी, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ जेन्यूनेस, होनेस्टी होनी चाहिए, फ्रेंडली एटमोसफियर होना चाहिए, राइट सजेशन देने हैं। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है उसकी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को। अब हम बात करेंगे एम एंड इंपॉर्टेंस। नॉर्मली एक जैसे हैं, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, न्यू अप्रोचेस बिहेवियर एटीट्यूड और रिजल्ट जनरेट होता है। क्रॉनिकल इफेक्ट जो हमारे फियर एंग्जाइटी इशूज ये सब दूर हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इफेक्टिवनेस आती है, एम्पैथी होती है, बैड हैबिट्स हमारी दूर हो जाती है, पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, मेंटल हेल्थ होती है, हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी हमारा एम होता है, वो सब चीज़ हम फुलफिल कर पाते हैं किसके द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा। तो हर ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है क्लाइंट का इसमें। थैंक यू।